हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 51 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं। आप जाकर वहाँ से लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप SSC CGL लेखपाल रेलवे NDA PET एग्ज़ाम ग्रुप डी UPTET UPSC NTPC PU ETC इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है। तो सिविल एविएशन डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिए, 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRASM ये मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसे चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्च किया गया है और इसे DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRASM है। अगला प्रश्न देखिए, सीपरी के अनुसार 3 भारतीय कंपनी वर्ष 2020 में संयुक्त हथियारों की बिक्री के मामले में दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हैं। तो कौन से 3 कंपनियां हैं कि जो भारत के कौन से 3 कंपनियां जो विश्व के 100 शीर्ष कंपनियों में शामिल हैं? ये सीपरी की रिपोर्ट है जो कि हथियार बनाती है। ये जो कंपनियां शामिल हैं तीनों, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डियंस फैक्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और पहले स्थान पर अमेरिका है जिसकी ज़्यादा कंपनियाँ शामिल हैं दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों में से। दूसरे स्थान पर चाइना है। अगला प्रश्न देखिए, 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या है कि रूस के राष्ट्रपति भारत आए 6 दिसंबर 2021 को, ये भी कथन सत्य है। दोनों देशों के मध्य पहली बार 2+2 बैठक आयोजित की गई, ये भी सत्य है। दोनों पक्ष AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए सहमत हुए। अगला प्रश्न देखिए, ASMI राइफल, ASMI DRDO के द्वारा बनाया गया स्वदेशी राइफल है, रेंज 100 मीटर। जिरकोन क्या है? ये हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस की। अगला प्रश्न क्या है, किसने CEA चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा CEA चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 7 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। और 2022 में 57वां पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो दामोदर मौजो को 2022 में 57वां पुरस्कार ज्ञानपीठ और 56 निर्मय फुकून को। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता को नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है, भविष्य के अध्यक्ष रहेंगे। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुँच गया है? अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में, उनको भोजन देने के मामले में, एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत शीर्ष पर है, 8.25% रैंकिंग है, और इसके पहले ब्राज़ील था। ब्राज़ील की रैंकिंग 8.15% थी और भारत की 8.25% हो गई है। तो भारत ब्राज़ील को 15 साल बाद भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ा है। ICC वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये भारत में की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, 8 दिसंबर 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला लिया है? तो रिवर्स रेपो रेट को 3.35% बरकरार रखने का फैसला लिया है और बैंक रेट सबसे अधिक होगी, फिर रिपो रेट, फिर रिवर्स रिपो रेट। हमेशा दोस्तों बैंक रेट सबसे अधिक रहेगा,
और इसके बाद रिपो रेट, उसके बाद रिवर्स रिपो रेट। बैंक रिपो रेट 4.25% बरकरार रखने का फैसला लिया गया और रिवर्स रिपो रेट 3.35%। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।